स्टूडेंट्स, आज हम सर्प विष के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्नेक वीनम और एंटीवेनिन क्या होता है, प्रतिविष, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये जो स्नेक होता है, ठीक है, जो कि जो लार ग्रंथियों का रूपांतरित रूप क्या होता है, विष ग्रंथियां, ठीक है। उनका मॉडिफाइड फॉर्म है सलाइवरी ग्लैंड का विष, उसमें पॉइजनस ग्लैंड होती है, उसके द्वारा ही विनम का विष का सिक्रीशन होता है, ठीक है। वही विष जो होती है स्त्रावित होती है, और जो ये सर्प विष होता है, विष इसमें यह क्या बहुत घातक होता है, ठीक है। किसी को काटने पर यह विष उसकी मृत्यु हो सकती है। इसमें यह कैसा होता है, द विनम ऑफ स्नेक इज क्लियर स्ट्रॉ कलर और ग्रीनिश लिक्विड, ठीक है। यह स्वच्छ चिपचिपा एक, ठीक है, ग्रीनिश कलर का तरल द्रव्य होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होती है, ठीक है, 30-35% प्रोटीन होती है जो ऑर्गेनिक में सोलेबल है। विष जो होता है पानी में घुलनशील होता है, और यह बॉडी के अंदर जाके आसानी से घुल जाता है और पूरे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, परिवहन तंत्र में, और सभी जगह फैल जाता है, ठीक है। इसलिए इसे जहाँ इस जगह पे सर्प काटता है उस जगह के वहाँ पे चीरा लगा के वहाँ का जो ब्लड है वो पॉइजनस उसको निकाला जाता है और उसे रोक दिया जाता है। काटने के स्थान के जस्ट ऊपर अच्छे से टाइट बांधा जाता है ताकि जो है ब्लड हार्ट की ओर ना जाए, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, जो सर्प विष होता है इसमें जो होती है विषैली प्रोटीन्स होती है, ठीक है। इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटीन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है, जटिल कॉम्प्लेक्स नेचर की प्रोटीन होती है। द वेनम इज सीक्रेटेड बाय सर्टेन पॉइजनस पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, फाउंड इन द हेड ऑफ स्नेक, ठीक है, एंड इंजेक्टेड इन द बॉडी ऑफ द बिटेन प्रे थ्रू द फैंज सर्विंग एज हाइपोडर्मिक नीडल्स, ठीक है। उनके पास जो नीडल्स है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये जो जिसको काट रहे हैं शिकार को, उसको उसके बॉडी में विष को पॉइजन को इंजेक्ट कर देते हैं, अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। ये पॉइजन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हेड के ऊपर उपस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द पॉइजनस इंडियन स्नेक्स आर वाइपर कोबरा एंड क्रेब। इंडिया में जो सांप पाए जाते हैं उसमें से कुछ विषैले सर्प जो हैं वो हैं वाइपर कोबरा और क्रेब, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, द वेनम ऑफ वाइपर एक्ट अपॉन द सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोड्यूसिंग, ठीक है, हेमरेज विद द एकॉम्पेनिंग डेंजर ऑफ ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है। जो वाइपर होता है, जो वाइपर विषैला सर्प होता है, ठीक है, वो कहाँ पे रिएक्ट करता है, कहाँ पे अपना प्रभाव दिखाता है, परिवहन तंत्र के ऊपर दिखाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना प्रभाव दिखाता है और हेमरेज करता है। उसके साथ ही जो रक्त के लिए, रक्त में विष उत्पन्न करता है, रक्त के लिए खतरनाक होता है, ठीक है, रक्त को जहरीला कर देता है, डैमेज करता है, डेंजर होता है रक्त के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, कोबरा, कोबरा जो पॉइजन है, कोबरा द्वारा जो विष दिया जाता है इस मोर वायलेंट देन दैट ऑफ वाइपर, ठीक है। इट इज ए न्यूरोटॉक्सिन अटैकिंग द नर्व सेंटर्स एंड कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ मसल्स स्पेशली दोज कंट्रोलिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट सो दैट द विक्टिम मे डाई ऑफ सफोकेशन और एफेक्सिया द रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन आर डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या हो रहा है, जो ये कोबरा का जो विष होता है इस पर इफेक्ट डालता है नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। जैसे इसने सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डाला, वैसे ही कोबरा का जो विष होता है नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। शरीर में झंझनाहट आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, उससे बेहोशी होने लगती है, नशा आने लगता है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि वो इसकी इसके द्वारा उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, घुटन से। और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, उसमें इनको डिस्ट्रॉय करता है, ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, इन केस ऑफ क्रेक, है ना। अब क्रेक का देखेंगे, इसमें इसने सर्कुलेटरी सिस्टम के परिवहन तंत्र पे इफेक्ट डाला, और कोबरा कोबरा जो है नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, उससे पैरालिसिस अटैक होने का खतरा रहता है, पैरालिसिस हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ क्रेक बाइट द विक्टिम कंप्लेन ऑफ अनबियरेबल एब्डोमिनल पेन ड्यू टू इंटरनल हेमरेज, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेस एंड पैरालिसिस ऑफ लिम्फ एंड ट्रंक अकर, ठीक है, फॉलोड बाय डेथ। इनमें क्या होगा, क्रेक के कारण पे जो जो पेशेंट है, जो रोगी है, वो क्या कंप्लेन करता है, उसके उदर में, पेट में, एब्डोमिनल में असहनीय दर्द होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंटरनल हेमरेज हो जाता है, आंतरिक जो होती है, ठीक है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, इसकी वजह से जो उनकी रक्त वाहिकाएं हैं वह, ठीक है, कट जाती हैं और उसमें रक्त का प्रवाह होने लगता है, इसकी वजह से उन्हें पेट में बहुत असहनीय दर्द होता है, और जो आरबीसी है वह भी नुकसान होता है उनको, लिम्ब में, ठीक है, पैरालिसिस हो जाती है, लिम्ब और ट्रंक में पैरालिसिस होने का खतरा है, और फॉलोड बाय डेथ, ठीक है, डेथ होने का खतरा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंटीवेनिन हम देखेंगे प्रति विष, ठीक है। अभी तो सर्प विष का प्रभाव देखे, सर्प के काटने पे उसके विष का क्या क्या प्रभाव होता है, रोगी की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका श्वसन तंत्र बाधित होता है, ठीक है, हेमरेज हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाता है, प्रति विष तैयार किया जाता है, एंटीवेनिन, ठीक है। एंटीवेनिन जो होता है इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट और पॉइजन, ठीक है, विष के लिए और सांप काटने पर सबसे अच्छा इलाज होता है एंटीवेनिन, ठीक है, इसे एंटीविनम भी कहा जाता है। एंटीवेनिन जो है इज प्रिपेयर्ड बाय इम्यूनाइजिंग हॉर्स अगेंस्ट स्नेक विनम, ठीक है, इसमें हॉर्स को एंटी इसका स्नेक विनम की इंजेक्शन दी जाती है और उसका डोज धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, 6 मंथ या और लंबे समय तक दिया जाता है, उसके बाद में उससे ज़्यादा डोज बढ़ाने पर उसको इफेक्ट नहीं दिखता है, उस तरह से उसका, ठीक है, प्रिपेयर किया जाता है एंटीवेनिन। तो एंटीवेनिन इज प्रिपेयर बाय इम्यूनाइजिंग हॉर्स अगेंस्ट स्नेक विनम, इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्नेक विनम, ठीक है, यह एंटीबॉडी का बना होता है जो कि क्या करेगा, जो सर्प विष है उसके प्रभाव को उदासीन कर देगा, ठीक है, उसके प्रभाव को उदासीन कर दिया जाता है। तो इससे सबसे पहले क्या किया जाता है, एंटीवेनिन इंजेक्शन आर गिवन टू ए विक्टिम ऑफ ए स्नेक बाइट, ठीक है, सब उपाय किया जाता है, काटने के स्थान पे चीरा लगाना, ब्लड निकालना, उसके ऊपर स्थान पे रस्सी बांधना, इससे यह जो इलाज है सबसे फास्ट और बहुत जरूरी है कि उसे एंटीवेनिन का इंजेक्शन दिया जाए, ठीक है। तो एक ऐसा है, एंटीवेनिन का इंजेक्शन किया जाता है, दिया जाता है, कब, जो पेशेंट है उसको सांप काट दिया जाता है, तो बचाव के लिए यह उपाय किया जाता है, ठीक है। इन इंडिया मैन्युफैक्चर्ड इन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई, ठीक है, मुंबई में ये इंस्टीट्यूट है जहाँ यह रेडी किया जाता है, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई एंड सेंट्रल रिसर्च
इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे जो है यह एंटीवेनिन किया जाता है, रेडी किया जाता है। थैंक यू।